नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सिंधिया के कुछ समर्थक गाना गाते नजर आए थे, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह फिल्मी गाना गा रहे थे। इन दोनों नेताओं के गाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा हो रही थी और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक कयास भी लगाने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ बताते चलें आपको, यूजर्स भी कई प्रकार की प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे। दरअसल बता देते हैं आपको, शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर रविवार की रात विधायकों का पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया था। इसमें मंत्री और विधायक परिवार के सदस्य भी शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ में माइक थाम कर शोले फिल्म का गीत गाया। उन्होंने सिंधिया समर्थकों के साथ जमकर गाना गाया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया के साथ जुगलबंदी करते हुए गाया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इसी तरह कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा था। इस वीडियो को सचिन पायलट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसमें वो राज कपूर की फिल्म जोकर का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट के साथ खड़े कुछ और लोग भी उनके साथ गुनगुना रहे हैं। अनुराग त्रिपाठी नाम के यूजर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया समर्थकों के गाने पर लिखते हैं कि गजब की नौटंकी चालू है, कांग्रेस से गद्दारी करने पर इन लोगों को शर्म नहीं आती। अंकुश शुक्ला नाम के यूजर ने कहा कि चोर दरवाजे से सत्ता में आने वाले लोग जोकर की तरह ही काम करते हैं। वहीं सचिन पायलट के गाने पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि वाह अद्भुत है। इसी बीच बताते चले आपको कि जहां एक तरफ सचिन पायलट ने गाना गाया, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक लाजवाब गीत गाया। इन दोनों के गाने और गीत गाने के साथ साथ राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी मदद करेंगे या नहीं। कुछ ऐसी ही बातें अब सुनने में आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे और अब आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वो सचिन पायलट का साथ देते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ अभी तक ये दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब ये दोस्ती दोबारा से प्लेटफॉर्म पे आनी शुरू हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई में सचिन पायलट की मदद करते नजर आएंगे या नहीं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।